की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है। अब परसों की बात ले लीजिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि मेरा शोल्डर हर्ट कर रहा था। तो मैंने अपॉइंटमेंट के लिए हॉस्पिटल फ़ोन किया और जब रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही थी तब सोचा कि अगर इंग्लिश बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती तो ये सिंपल सा काम भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता। नहीं तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको ये पूरी बातचीत जो है इंग्लिश में सिखा दूँ। मेरा नाम है रीमा, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम देखेंगे कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इंग्लिश का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब ये बातचीत हम दो हिस्सों में सीखेंगे, पहले वो सारे सेंटेंसेस जो आपको बोलने हैं, उसके बाद वो सवाल जवाब जो आपसे किए जाएंगे जब आप पेशेंट बनकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाएंगे किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए। अगर आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप कहेंगे मुझे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट चाहिए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट विथ द डॉक्टर। सिंपल। अगर आपको डॉक्टर से मिलना है, सिर्फ मिलना है, तो आप कहेंगे मुझे डॉक्टर से मिलना है। आई नीड टू सी द डॉक्टर। अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर कब फ्री हैं, तो आप कहेंगे डॉक्टर कब फ्री हैं? When is the doctor free? अगर आपको अपनी दवाई की जो प्रिस्क्रिप्शन मतलब पर्ची जो होती है उसे रिन्यू करना है, तो आप कहेंगे मुझे मेरी प्रिस्क्रिप्शन फिर से बनवानी है। I need to renew my prescription. कभी कभी ये भी होता है कि आप बिना अपॉइंटमेंट लिए ही क्लिनिक या हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के क्लिनिक पहुंच गए हैं लेकिन डॉक्टर से थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, तो आप कहेंगे क्या डॉक्टर हमारे लिए आज थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं? कैन द डॉक्टर स्क्वीज अस इन टुडे। अब स्क्वीज अस का मतलब होता है थोड़ा सा वक्त निकालना अपने बिजी शेड्यूल से। अगर आपको किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए अपनी बहन के लिए, ओके, तो आप कहेंगे मुझे मेरी बहन के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए। आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट विथ द डॉक्टर फॉर माई सिस्टर। अगर आपके भाई के लिए चाहिए तो आप कहेंगे मुझे मेरे भाई के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए। आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर माई ब्रदर। अगर आपको अपने बच्चे को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, तो आप कहेंगे मुझे मेरे बेटे को चेकअप के लिए लाना है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई चाइल्ड, यानी कि आपका बच्चा, फॉर अ चेकअप। अगर डॉक्टर ने आपको दो हफ्तों के बाद फिर से बुलाया है, तो आप कहेंगे डॉक्टर ने मुझे दो हफ्तों बाद फिर से आने के लिए कहा है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है द डॉक्टर वॉन्ट्स टू सी मी अगेन, यानी कि फिर से, इन 2 weeks टाइम, यानी कि दो हफ्तों के बाद। तो बस ये थे वो सेंटेंसेस जिनकी जरूरत आपको पड़ सकती है। अब देखते हैं कि कौन से सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे और अगर कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो आपके जवाब क्या होंगे। अगर आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका पेशेंट आईडी यानी कि पेशेंट नंबर क्या है। अगर आप पुराने पेशेंट हैं तो इसको इंग्लिश में पूछा जाएगा व्हाट इज योर पेशेंट आईडी नंबर, और आपका जवाब होगा मेरा आईडी है 01, माय पेशेंट आईडी इज 01। आपको किस विषय में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए? व्हाट इज दिस अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर रिगार्डिंग? आंसर, मुझे रेगुलर चेकअप के लिए आना है। आई वॉन्ट टू कम इन फॉर अ रेगुलर चेकअप। अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा दिन और वक्त आपके लिए सही है? विच डे एंड टाइम इज गुड फॉर यू फॉर द अपॉइंटमेंट? आप कह सकते हैं डॉक्टर कब फ्री हैं? When is the doctor free? अब मान लीजिए कि डॉक्टर 3 तारीख को फ्री हैं, तो आपसे पूछा जाएगा क्या 3 तारीख आपके लिए सही होगी? Is the 3rd of the month okay with you? 3rd of the month का मतलब है महीने की 3री तारीख। आपका जवाब होगा हाँ ठीक है, yes it is fine। फिर आपसे कहा जाएगा क्या 4 बजे आप आ सकते हैं? How does 4 o'clock sound?
अगर आपको सूट करता है तो आप कह सकते हैं 4 बजे चलेगा, 4 o'clock इज गुड विथ मी। तो बस आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई और आपसे कहा जाएगा योर अपॉइंटमेंट इज फिक्स्ड और आप कहेंगे धन्यवाद यानी कि थैंक यू। अगर आप नए पेशेंट हैं और डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि डॉक्टर आजकल नए पेशेंट नहीं ले रहे हैं, बहुत बिजी हैं। आई एम सॉरी द डॉक्टर इज नॉट टेकिंग न्यू पेशेंट्स। फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या उनकी अपॉइंटमेंट में कोई कैंसिलेशन हो सकती है, क्या होगी या हो गई है, आर देयर एनी कैंसिलेशंस। तो आपसे कहा जाएगा अगर कैंसिलेशंस होंगी तो हम आपको फोन करके बता देंगे। वील कॉल यू इफ देयर आर एनी कैंसिलेशंस, वी विल लेट यू नो। तो बस इसके बाद आप थैंक यू कह के, धन्यवाद कह के ये कॉन्वर्सेशन खत्म कर सकते हैं। अब आपने जान लिया होगा कि ये जो सारी सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाई वो कितनी सिंपल थी, कितनी ईजी थी, लेकिन कितनी यूजफुल थी। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई, आपको सडनली हॉस्पिटल जाना पड़ा, अगर आप बातचीत ही नहीं कर पाएंगे तो आप अपने डियर वन को हॉस्पिटल में एडमिट कैसे कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे सेंटेंसेस जो हैं बहुत अच्छी तरह से सीख लें। तो बस आपने अपॉइंटमेंट ले ली, फिक्स कर ली, आपकी जो सारी जानकारी आपको देनी थी आपने रिसेप्शनिस्ट को दे दी, अब आप डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं और वहाँ भी आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी, राइट? उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर आपसे कहेंगे, हेलो आप कैसे हैं, हेलो हाउ आर यू। आप कहेंगे मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। डॉक्टर पूछेंगे क्या तकलीफ है, वॉट इज द मैटर। अगर आपको बुखार है तो आप कहेंगे मुझे 2 दिन से बहुत बुखार है, आई हैव हाई फीवर फॉर द पास्ट 2 डेज। अगर सर्दी है तो मैं सर्दी जुकाम से परेशान हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। कभी ऐसा होता है कि सर्दी की वजह से आँखों से पानी भी आता है, तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं मेरी आँखों से पानी आ रहा है, माई आईज आर वाटरिंग। वाटरिंग का मतलब होता है आँखों से पानी आना। कभी ऐसा भी होता है हमारी नाक जो है वो बहती ही रहती है, आप डॉक्टर से कह सकते हैं आई हैव अ रनी नोज। रनी नोज का क्या मतलब होता है कि मेरी नाक जो है वो बहती ही रहती है। अब कभी कभी हम डॉक्टर के पास इसलिए भी जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होता है। कितनी सारी जगह दर्द हो सकता है, सिर में, हाथ में, पेट में। तो चलिए ये बातें कैसे करनी है वो सीखते हैं। सिर में दर्द है, आप कह सकते हैं आई हैव अ हेड एक। एक का मतलब होता है पेन या फिर दर्द। अगर पेट में दर्द है तो आप कहेंगे मेरे पेट में ना बहुत दर्द है, आई हैव अ बैड स्टमक एक, और आई हैव पेन इन माई स्टमक। अगर पीठ दर्द कर रही है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ बैड बैक एक, या फिर बहुत दर्द कर रही है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ टेरिबल बैक एक। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें चक्कर आने लगते हैं, तो आप कह सकते हैं डॉक्टर आई एम फीलिंग गिडी, या फिर डॉक्टर आई एम फीलिंग डिजी। गिडी और डिजी दोनों का मतलब एक ही होता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं। कभी चलते चलते पैर में मोच आ जाती है तो आप डॉक्टर से कह सकते हैं आई हैव स्प्रेन्ड माई लेग। कभी हम एंकल स्प्रेन कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव स्प्रेन्ड माई एंकल। कभी हम कंधा यानी कि शोल्डर स्प्रेन कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव स्प्रेन्ड माई शोल्डर। कभी हाथ में सूजन आ जाती है, सूजन को हम इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं, तो आप कह सकते हैं माई हैंड इज स्वोलन, या फिर देयर इज अ स्वेलिंग इन माई हैंड। तो याद रखिएगा स्वोलन या सूजन या स्वेलिंग इन सब का मतलब एक ही होता है। कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल बदमिजाज फील करते हैं, वेदर जो होता है बहुत ख़राब होता है और हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, नौशिया होता है, उल्टी की फीलिंग आती है, तो आप जाके डॉक्टर से कह सकते हैं आई फील लाइक वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना। कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत थक जाते हैं और बहुत दिनों तक हमारी जो थकान है वो कम ही नहीं होती, आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, तो आप डॉक्टर से जाके बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली, यानी कि बहुत, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड,
यानी कि मुझे बहुत थकान हो रही है। थकान का एक और वर्ड भी होता है, वो होता है फटीग। तो आप ये भी कह सकते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ फटीग। कभी आप थक भी गए होते हैं और कमज़ोरी भी महसूस कर रहे होते हैं उसके साथ साथ, तो आप जाकर कह सकते हैं, आई एम फीलिंग वेरी वीक, आई हैव अ लॉट ऑफ वीकनेस। या फिर एक और वर्ड है, आप कह सकते हैं, आई एम फीलिंग वेरी फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब भी वही होता है कि आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है। अब आपकी सारी परेशानियाँ सुनने के बाद जाहिर है कि डॉक्टर आपको दवाई देंगे, तो वो आपसे कह सकते हैं कि मैं 3 दिनों के लिए दवाई दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू मेडिसिंस फॉर 3 डेज। मेडिसिंस ऑब्वियसली दवाई होती है। तो अगर आपको किसी दवाई की एलर्जी है तो आपसे डॉक्टर ज़रूर पूछेंगे, क्या आपको किसी दवाई की एलर्जी है, आर यू एलर्जिक टू एनी मेडिसिंस। अगर एलर्जी नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, अगर है तो आप यस कह सकते हैं और उस दवाई का नाम बता सकते हैं। फिर दवाई कैसे लेनी है दिन में, ये भी तो सीखना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपसे डॉक्टर कहते हैं कि सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आपको दवाई लेनी है, तो इंग्लिश में वो कहेंगे, यू हैव टू टेक योर मेडिसिंस मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग आफ्टर मील्स। ठीक है, तो चलिए आपको दवाई मिल गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दवाई खाने के बावजूद हम ठीक फील नहीं कर सकते, तो आपको डॉक्टर से पूछना है कि दवाई लेने के बाद हमें वापस कब आना है आपसे मिलने, When do I have to come next, doctor? तो डॉक्टर आपसे कहेंगे कि अगर 3 दिनों के बाद दवाई ख़त्म होने के बाद भी आपको ठीक फील नहीं हुआ तो आपको फिर से आना पड़ेगा और आपको आपके खून की जांच करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में आपसे कहा जाएगा, If you don't feel better after the medicine is over, please come back for a blood test. ठीक है, तो बस आपको दवाई मिल गई, कब वापस आना है ये भी आप जान गए। अब सारी बातचीत हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। तो बस आप डॉक्टर को थैंक करके, उन्हें धन्यवाद बोल के क्लिनिक से निकल सकते हैं। तो बस आप कहेंगे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, और डॉक्टर आपसे कहेंगे, जल्दी ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। तो आज हमने सीखा कि अगर आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है तो क्या बातचीत करनी है, जब अपॉइंटमेंट आपको दी जा रही है आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ जब आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो आप डॉक्टर से क्या बातचीत करेंगे। ये सारी बातचीत आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसे अच्छी तरह से, ठीक तरह से सीख लीजिए। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखी हो। वेल, इट्स टाइम फॉर मी रीमा टू से बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि बस हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगी एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।